व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद मूमल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। और आज जैसे कि संडे है, सो मैंने सोचा आज मैं अपने व्यूअर्स के साथ जो है हेयर ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बातें शेयर कर लेते हैं। सो आज जो है संडे था और यू नो डेट की जितनी भी गर्ल्स हैं वो अपने हेयर्स की ट्रीटमेंट करती हैं। सो आज मैंने भी जो है अपने हेयर्स की ट्रीटमेंट की, यू नो डेट। कल जब मैंने अपना हेयर्स देखा तो बहुत ज़्यादा जो है मेरे हेयर्स जो है रूखे हो रहे थे और बहुत ज़्यादा जो है मतलब मुझे पतले उनको जो है वो फील हो रहा था। मैंने यार मैं क्या करूँ। सो कल जो है फिर मैंने सोचा है मुझे अब जो है एक जो है रेमेडी मतलब बनानी चाहिए हेयर्स के लिए भी, और हेयर्स की भी स्किन की तो हम लोग करते रहते हैं बट हेयर की भी ट्रीटमेंट करें। सो जिसके भी हेयर जो है पतले हैं या फिर रूखे हैं, सो उनके लिए आज का मेरा जो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि आज मैंने अपने हेयर्स में किस तरीके से अपनी केयर की है और मैंने क्या क्या यूज़ किया। सो आज जो है आपको पता है जैसे कि हमारे जब हेयर्स में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं। और यकीन करो मेरे हेयर जो है ज़्यादा ख़राब इसलिए हुए क्योंकि मैंने इसमें दो बार जो है मैंने हेयर कलर जो है करवाए, जिसकी वजह से मेरे हेयर बहुत ज़्यादा रूखे हो गए, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। जब मैंने कल अपना फेस मिरर में देखा तो मुझे बहुत जैसे गलती फील हो रहा था अपने हेयर देख के, यार मेरे हेयर्स के साथ हुआ क्या है। सो मैंने सोचा यार अब मुझे हेयर्स के लिए भी कुछ ना कुछ अपनी जो है रेमेडीज इख्तियार करने चाहिए। सो आज मैंने एक रेमेडी बनाई है, उसके लिए जो जो मैंने चीज़ें यूज़ करी है, मैंने क्या क्या यूज़ किया है, इससे आप जो आप लोग जब इस रेमेडी को यूज़ करेंगे सो इससे आपके हेयर जो है शाइनी हो जाएंगे और इससे आपकी हेयर्स जो हैं मतलब दो मुँहें जो हो जाती हैं हेयर्स में वो ख़त्म हो जाएंगी और आपके जो हेयर्स हैं उस पर जो है थोड़ा बहुत शाइनी आ जाएगी। सो उसके लिए जो है मैंने आपके साथ जो है मैंने अपनी रेमेडी शेयर की है। सो आप लोगों ने ये रेमेडी को जो है लाजमी ट्राई करना है और वीक में 3 बार आप लोगों ने ट्राई करना है ताकि आपके हेयर जो है स्मूथ हो जाए, सिल्की हो जाए, शाइनी हो जाए। अगर आपके भी ये बाल रुके हैं तो आप लोगों ने ज़रूर जो है रेमेडी को ट्राई करना है। सो चलते हैं जी अपनी रेमेडी की तरफ कि इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की नीड होगी। सो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और आप लोगों ने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आप सारा प्रोसेस इजीली देख सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। और इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है पैराशूट ऑयल, जो कि देखो इस तरीके से जो है मैंने इसके अंदर ऑलरेडी विटामिन जो है ई के जो कैप्सूल हैं वो ऐड किए हुए हैं। और इसके अलावा मैं लूँगी एलोवेरा जेल, ये हमारे बाल को करेगा स्मूथ। और इसके अलावा हम लेंगे लेमन हमारे हेयर्स को करेगा शाइनी। और इसके अलावा जो है मैं यूज़ करूँगी एक अंडे की जो है मैं सिर्फ सफ़ेदी यूज़ करूँगी क्योंकि इससे हमारे बाल हो जाएंगे स्ट्रेट यानी कि स्मूथ फॉर्म में आ जाएंगे और जो है हमारे बालों का जो रूखा बने वो ख़त्म हो जाएगा। सो अब हमने कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ और किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी मैं आपको अपने हेयर्स में अप्लाई करके बता दूँगी। सो वीडियो को स्किप कहीं भी नहीं कीजिएगा, एंड तक लास्ट में आप लोगों ने वीडियो देखना है। करेंगे सबसे पहले हम इसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून हम क्या करेंगे जी, ये जो ऑयल है मैं वो ऐड करूँगी। मेरे हेयर्स छोटे हैं, इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो मैं नॉर्मल बस ले रही हूँ 1। देखिए इस तरीके से मैंने इतना लिया है ऑयल इसके अंदर खोपरे का। अब मैं इसके अंदर जो है ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल। अब इसके अंदर जो है मैं एलोवेरा जेल ऐड करने लगी हूँ। यू कैन सी मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर देखो एलोवेरा जेल ऐड कर दिया। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जी लेमन जो है हमारे हेयर्स को करेगा सिल्की। सो इसलिए जो है हम इसके अंदर हम लेमन ऐड कर रही हूँ, लेमन का जूस। ये देखें जी इस तरीके से मैंने 3 चीज़ें इसमें अभी ऐड कर दी हैं, खोपरे का तेल, एलोवेरा और इसके अंदर लेमन जूस। और अब जो है मैं इसके अंदर अंडे की जो सफ़ेदी है वो ऐड करूँगी। तो ध्यान से निकालना है कि इसकी हमने जर्दी इसके अंदर जो है ऐड नहीं करनी, हमने सिर्फ जो इसकी सफ़ेदी जो है हमने सिर्फ वो ऐड करनी है। यू कैन सी तो जर्दी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ऑलरेडी रूखे बाल हैं, तो इसलिए जो है मैं जर्दी को अवॉइड कर रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है इसकी सफ़ेदी अपने हेयर्स में यूज़ करने के लिए जो है यूज़ कर रही हूँ। यू कैन सी सो हमने जो है इसके अंदर सफ़ेदी भी ऐड कर दी है। अब हम इस मिक्सचर को क्या करेंगे, अच्छे से हम फेंट लेंगे। सो इस तरीके से देखो हमने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। हम अब इनको जो है अच्छे से मिक्सअप करके जो है इनके एक थिक सा जो है पेस्ट बना लेंगे और अपने हेयर्स की रूट्स में और अपने हेयर्स में इसको अप्लाई करेंगे, तो इससे हमारे हेयर जो हैं स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इसके अलावा गिरते बार जो हैं हमारे वो भी रुक जाएंगे। और ये वीक में हमें 3 से 4 बार अप्लाई करना है। सो इस तरीके से इसको मिक्सअप कर लो। यू कैन सी इस तरीके का एक थिक सा जो है पेस्ट बन गया है। और अब इसको जो है मैं अपने हेयर्स में अप्लाई करके भी आप लोगों को दिखा दूँगी किस तरीके से हमने इसको अपनी रूट्स में हेयर्स की अप्लाई करना है। तो भाई इस तरीके से अब हम इसको अपनी लगाएंगे जी रूट में। यू कैन सी इसको मैंने लिया, ये हमने लगाया अपनी बंदूक। तो इस तरीके से हमने इसको
अपने हेयर्स में इसकी जड़ों में लगाऊंगी इस तरीके से, जैसे ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए। इस तरीके से हमने अपने तमाम हेयर्स में इसको लगा लेना है। अगर आपके बाल भी जो हैं पतले हैं मेरी तरह खुश्क हैं तो वीक में इसको 3 बार अप्लाई करो ताकि आपके बाल भी जो हैं रूखा बनता कम हो जाए। मेरे बहुत ज़्यादा रूखे हेयर्स हो गए हैं, वो भी इसका रीज़न ये है कि मैंने जो है हेयर्स में जो है कलर करवाया था, उसके बाद जो है मेरे हेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा जो है मतलब पतले हो गए हैं। और जो है और मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा जड़ों में लगाऊंगी ताकि जो है मेरे जड़ों में अच्छे से जो है ये एब्जॉर्ब हो जाए और मेरे जो है न्यू हेयर्स निकल जाएँ। देन एंड में जब मेरी रूट्स के अंदर जब ये हो जाएगा पूरा, तो फिर जो है मैं क्या करूँगी जी, फिर इसको जो मेरे दूसरे हेयर्स हैं इनमें अप्लाई करूँगी। तो इस तरीके से मैं अपने पूरे हेयर्स में इसको अप्लाई कर दूँगी। व्यूअर्स इस तरीके से ये देखो मैंने अपने पूरे हेयर्स में अप्लाई कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको 2 आवर्स के लिए हम इस तरीके से जो लगा रहने देंगे अपने हेयर्स में, देन उसके बाद हम वॉश कर लेंगे। सो मैं अपने हेयर्स में क्या करूँगी, एक खेचन लगा लूँगी और अपने जो दूसरे काम काज है वो करूँगी, देन उसके बाद हम इसको वॉश करके आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे। सो व्यूअर्स आज का जो था ये था मेरा रेमेडी जो कि आज मैंने किया अपने हेयर्स के साथ। और आप लोग भी इसको वीक में 3 बार ट्राई करो। यू नो डेट के रुके होने में भी टाइम लगता तो एकदम तो कुछ भी मजा नहीं होगा। सो यू विल ट्राई इट 3 टाइम्स इन अ वीक, सो उसके बाद ही सडनली आपको उसका कोई रिजल्ट मिलेगा अच्छा। लेकिन फर्स्ट ही आपको यूज़ में जो है उससे जो है आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। सो अगर आज की मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोस को शेयर करना ना भूलो ताकि आने वाली मेरे हर लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिल सके। सो उसके साथ मुझे इजाज़त दो, खुदा हाफिज़।